हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बिजनेस डेस्टिनेशन। तो गाइस, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। देखो, वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मुझे मैं आपसे सॉरी बोलना चाहती हूँ कि वीडियो काफ़ी टाइम तक मैंने अपलोड नहीं की। एक्चुअली काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी और अब मेरे एग्जाम्स भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो उस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाई। आई एम सॉरी, बट एक बार मेरे एग्जाम्स ओवर हो जाए ना, उसके बाद मैं कंटिन्यू बैक टू बैक मैं वीडियोस अपलोड करूँगी। आप उसकी टेंशन ना लो, मुझे पता है एग्ज़ाम्स आपके आने वाले हैं, अभी थोड़े टाइम में ही डेट शीट आ जाएगी आपकी। बट आई एम सॉरी, मैं एग्ज़ाम्स ओवर होने के बाद कंटिन्यूसली वीडियो अपलोड कर दूँगी। और हाँ, आपको एक चीज़ और बता दूँ, CBSE ने ना काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं, मतलब काफ़ी सारे तो नहीं, जो चेंजेस किए वो मैं आपको बता देती हूँ। जो आपका एग्ज़ाम था बिजनेस स्टडीज़ का, उसमें पहले जो कम मार्क्स के क्वेश्चन होते थे, 3-4 मार्क के क्वेश्चन, उसमें हमारे टाइम में चॉइस नहीं मिलती थी, बट अब आपके टाइम में ये चीज़ आ गई है, आपको चॉइसेस मिलेंगी क्वेश्चंस में। 3-4 मार्क के क्वेश्चन में चॉइसेस मिलेंगी, हमारे टाइम में सिर्फ 6 मार्क के क्वेश्चन में चॉइसेस मिला करती थी, बट आपके में अब आपको 3-4 मार्क के क्वेश्चंस जो है उसमें भी चॉइसेस मिलेगी। तो ये आपका बेनिफिट है, इसका अच्छे से फ़ायदा उठाना। और हाँ, सारे टॉपिक्स पढ़ के जाना, कुछ भी मत छोड़ना। CBSE का कुछ भरोसा नहीं है, वो कुछ भी उठा के डाल सकते हैं। केस स्टडीज़ भी आगे वीडियो, सिलेबस ख़त्म हो जाए ना, मैं आपको केस स्टडीज़ के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी। मैं आपको बताऊंगी कैसे सॉल्व करनी, कैसे नहीं करनी, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे थे कि दीदी केस स्टडी कैसे करनी है, आप वीडियो बहुत धीरे अपलोड कर रहे हो। आई एम सॉरी, बट अब मतलब एक बार एग्ज़ाम्स ओवर हो जाए यार, पक्का कॉन्टिन्यूसली वीडियो बनाऊंगी। तो अब हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और हाँ, एक चीज़ और कि जो CBSE है ना, उसने एक चेंज और किया है। उसने पहले क्या था कि जब एग्ज़ाम होता था तो एग्ज़ाम से एक दिन पहले आप हमें क्वेश्चन पेपर सेंटर पे पहुंच जाते थे, बट अब जो एग्ज़ाम के आधे घंटे पहले ही सेंटर पे पेपर पहुंचेंगे, क्योंकि पेपर काफ़ी ज़्यादा लीक हो रहे हैं, तो उस वजह से आधे घंटे पहले आपके सेंटर पे एग्ज़ाम्स आएंगे। नेट के थ्रू वो भेज देंगे कॉपी, फिर वो वहीं पे फ़ोटो स्टेट करके आपको एग्ज़ाम मिलेंगे। तो ये चेंजेस हुए हैं, अब हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। कुछ जो हमारे साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो मिस्टर FW टेलर ने बनाए थे। वो कहते थे जब हम किसी भी काम को साइंटिफिक मैनर में कर रहे हैं, मैनेजमेंट के किसी भी काम को सोच समझ कर रहे हैं, साइंटिफिक मैनर में कर रहे हैं, उसे उन्होंने कहा है साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो बेसिकली साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो मिस्टर FW टेलर ने दिए थे, वो कहते थे कि जब भी हम किसी काम को साइंटिफिक मैनर में कर रहे हैं, उसे उन्होंने बोला है साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट 4 टाइप्स के होते हैं। तो उसमें जो हमारा फर्स्ट टाइप है वो है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। देखो, फर्स्ट प्रिंसिपल साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, ये प्रिंसिपल कहता है कि डोंट गेट स्टक टू ओल्ड टेक्निक्स, कि पुरानी टेक्निक्स से मत चिपको। कुछ भी अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो उस काम को करने के लिए नई टेक्निक्स डेवलप करो, एक सिंपल इजी मेथड ऐसा फॉर्म करो जिससे आपका काम सिंपल हो जाए, आपका काम जल्दी हो जाए और आपको ज़्यादा कॉस्ट भी ना आए। तो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब का प्रिंसिपल कहता है पुरानी टेक्निक से स्टक मत हो, किसी भी काम को करने के लिए नई टेक्निक्स को फॉर्म करो, एक नई टेक्निक डेवलप करो ताकि आपका काम कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में, सिंपल वे में हो जाए। तो ये था साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। हमारा सेकंड प्रिंसिपल जो है वो है हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। तो यहाँ पे हार्मोनी टर्म का मतलब है यूनिटी और डिस्कॉर्ड का मतलब है सेपरेट। तो टर्म का मतलब समझो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, यूनिटी नॉट सेपरेट, मतलब मिलकर काम करना है, अलग अलग काम नहीं करना। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो आप लोग मिलकर काम करो, अलग अलग के काम मत करो। अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में हो तो आप सारे लोग मिलकर सेम डायरेक्शन में काम करो, ऑर्गेनाइजेशनल गोल पे फोकस करो, एक दूसरे को पीछे पछाड़ने की कोशिश मत करो कि मैं सुपीरियर हूँ, ये शो करने की मत कोशिश करो, सब लोग मिलकर काम करो। और इसमें टेलर जी कहते हैं कि अगर आप मेंटल रेवोल्यूशन की सिचुएशन को क्रिएट कर लो तो वो बहुत अच्छी बात होगी। मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब ये समझो कि कोई वर्कर लीडर नहीं है, ये समझो कि बस हम लोग टीम हैं, हम अपनी पर्सनल फीलिंग्स भी शेयर कर सकते हैं और हम लोग काम पे भी फोकस करेंगे। तो ये था हमारा हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कि
ऑर्गेनाइजेशनल गोल पे फोकस करना, क्योंकि अगर आप ऑर्गेनाइजेशनल गोल पे फोकस करोगे तो इनडायरेक्टली आपका खुद का गोल भी अचीव होगा. ये हमने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ा था, सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट में, कि अगर आप ऑर्गेनाइजेशनल गोल पे फोकस करते हो तो इनडायरेक्टली आपका खुद का गोल भी अचीव होता है. और पुराने वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. तो देखो, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का मतलब एक साथ मिलकर यूनिटी में काम करो, मेंटल रिवॉल्यूशन की सिचुएशन क्रिएट करो. मेंटल रिवॉल्यूशन का मतलब मिलकर काम करना, ऐसे सिचुएशन माइंड को ऐसा सेट करना कि हम एक फैमिली है, यहाँ पे कोई वर्कर लीडर नहीं है, हम अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स भी शेयर कर सकते हैं और सब लोगों को मिलकर एक ही डायरेक्शन में काम करना है. ये है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का प्रिंसिपल. हमारा थर्ड प्रिंसिपल है कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. देखो, आप कॉर्पोरेशन टर्म्स का मतलब क्या समझते हो? आप कॉर्पोरेशन टर्म से क्या समझते हो? देखो, कॉर्पोरेशन टर्म का मतलब कॉपरेट करना. देखो, अगर आप मान लो कहीं भी बैंक वगैरह में जाते हो तो मान लो वहाँ पे चोरी हो गई, पुलिस आई, आप लोगों को जाने बाहर जाने की परमिशन नहीं है, तो पुलिस क्या कहती है? पुलिस कहती है हमारे साथ कॉपरेट करो, आप हमारी हेल्प करो. तो ये था कॉपरेशन का मतलब, कि हेल्प करना सिचुएशन के अकॉर्डिंग, खुद को एडजस्ट करना. दैट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉपरेशन. अब बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में बिजनेस के अकॉर्डिंग कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक फर्म को या फिर कोई नॉर्मल बंदा, उनको क्या, जो वर्कर मतलब काम कर रहा है, उनको एक दूसरे के साथ कॉपरेट करना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए कि मतलब कैसे. फॉर एग्जाम्पल, हम मान के चलते हैं कि हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने डिसीजन लिया कि आपको साल में 10 लाख की, मतलब 10 लाख की आपको प्रोडक्शन करनी है, बट वर्कर की कैपेसिटी तो है ही नहीं 10 लाख की, वर्कर की कैपेसिटी 7 to 8 लाख की यूनिट्स की प्रोडक्शन करना. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने उनके साथ कॉपरेट नहीं किया, उनकी मर्जी को नहीं सुना, बस अपना डिसीजन थोप दिया, वो कॉपरेट नहीं कर रही है. तो अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो आपको जिसके ऊपर आप डिसीजन थोप रहे हो, जो आपने स्टैंडर्ड सेट किया था 10 लाख यूनिट्स का, आपको एक बार एटलीस्ट पूछना तो चाहिए था ना अपने वर्कर से कि उनकी कैपेसिटी है या नहीं. यहाँ पे आप कॉपरेट नहीं कर रहे हो. तो ये था हमारा कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म का मतलब. देखो, ये जो प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल काफ़ी सारी चीज़ें बताता है. ये कहता है कि एक तो वही कॉपरेट करके चलो, आप अगर कोई डिसीजन ले रहे हो तो उस डिसीजन में भी आप अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, उनके सजेशन को मोस्ट वेलकम करो, कॉपरेट करके चलो, मिलजुल का काम. भाई, कॉपरेशन जो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड था वो थोड़ा सा डिफरेंट था. हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का मतलब था कि आपको सबको अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को ही अपना गोल समझना है, बट कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म में आपको कॉपरेट करके चलना है, आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट करना है, एक दूसरे की बात को सुनना है, एक दूसरे की सिचुएशंस को समझना है. दैट इज़ कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. ओके, हमारा फोर्थ और लास्ट प्रिंसिपल है साइंटिफिक मैनेजमेंट का, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पैरिटी. देखो, ये प्रिंसिपल क्या कहता है? ये प्रिंसिपल कहता है, देखो, हम जब किसी ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करते हैं तो उसमें ऑब्वियसली हम बंदे का सिलेक्ट करते हैं, हम एम्प्लॉयज़ रखते हैं काम करने के लिए. अगर हम उन्हीं एम्प्लॉयज़ को काम उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ना दें, या फिर जिस काम में वो स्पेशलाइज्ड हैं, जो काम वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं, वो काम ना दें, जैसे कि मार्केटिंग वाले बंदे से हम करा रहे हैं प्रोडक्शन का काम, प्रोडक्शन वाले से करा रहे हैं हम फाइनेंस का काम, तो क्या है? वो उनका माइंड कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि वो काम तो उनको आता ही नहीं है. लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल, कि मान लो मैं सिंगिंग करती हूँ, ठीक है, मुझे सिंगिंग बहुत पसंद है, तो अगर आप मुझसे सिंगिंग ना करा के आप मुझसे खाना बनवा रहे हो या मुझसे डांस करा रहे हो, वो तो मेरे इंटरेस्ट का है ही नहीं. आप मुझसे गाना गवाओगे तो मुझे वही पसंद आएगा ना. तो ये प्रिंसिपल वही कहता है कि जिस बंदे का जिस काम में इंटरेस्ट है, आप उसको वही काम दो, आप पर्सन को काम उसके कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग दो. मैथ्स के टीचर से, स्कूल में मैथ्स के टीचर से अगर आप साइंस पढ़वाते हो तो, या फिर साइंस के टीचर से आप बिजनेस कम्युनिकेशन या बिजनेस स्टडीज़ पढ़वाते हो, तो ऑब्वियसली वो उनकी कैपेबिलिटी नहीं है, ना ही उनका कोई इंटरेस्ट है. तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का ये प्रिंसिपल कहता है कि अगर आप किसी बंदे को काम दे रहे हो तो उसकी कैपेबिलिटी, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप उसे काम को अलॉट करो. हाँ, अगर आप किसी बंदे को काम अलॉट कर रहे हो तो आप उस बंदे की रेगुलर ट्रेनिंग भी कराओ. मैं सिंगिंग का काम करती हूँ तो आप मुझे रेगुलर बेसिस पे सिंगिंग की थोड़ी सी ट्रेनिंग भी दो. अगर मैं किसी फॉर्म में काम करती हूँ, मैं मैकेनिकल इंजीनियर या मैं इंजीनियर हूँ, तो आप मुझे रेगुलर ट्रेनिंग भी दो उस काम की. तो अगर आप किसी बंदे से काम करा रहे हो
उसकी, एक तो आपको उसके इंटरेस्ट उसके कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग कराना है, और आपको उसको रेगुलर ट्रेनिंग भी देनी है ताकि उसकी थोड़ी सी ग्रोथ हो सके। तो ये था हमारा प्रिंसिपल, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पैरिटी। गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, और मैं पक्का एक दो दिन में, मतलब एक दो दिन तो नहीं, दो चार दिन में मैं वो वीडियो अपलोड कर दूंगी, तो उसकी टेंशन ना लेना, और अच्छे से आप अपनी प्रिपरेशन करना, केस स्टडी की प्रैक्टिस करना। सिलेबस ख़त्म होने के बाद केस स्टडी पे भी वीडियो बनाऊंगी कि कैसे सॉल्व करनी है कैसे नहीं करनी, तब तक के लिए आप अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो बाय।